2017 के बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है बाहुबली। इस फिल्म का इंतजार दर्शक 2015 से कर रहे थे। फिल्म के रिलीज होते ही दर्शक मधुमक्खी की तरह सिनेमा घरों पर टूट पड़े। इस फिल्म के मनोरंजन की दुनिया में इतिहास कायम किया जो शायद ही आज तक कोई भारतीय फिल्म कर पाई हो। रहीस। सुपरस्टार शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म का इंतजार 25 जनवरी को खत्म हुआ। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नवाजुद्दीन और पाकिस्तान एक्ट्रेस महिरा खान भी नजर आई थी। यह फिल्म साल 2017 की पहली 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बनी। काबिल। शाहरुख खान की रहीस को ऋतिक रोशन की काबिल ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन कारोबार के मामले में थोड़ा पीछे रह गई। इस फिल्म ने 176 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जबकि समीक्षकों ने काबिल को ज्यादा सराहा था। जॉली LLB 2। साल 2013 में रिलीज कोर्टरूम ड्रामा जूली LLB का सीक्वल 10 फरवरी को रिलीज किया गया। जूली LLB 2, लेकिन इसकी स्टार कास्ट पिछली फिल्म से अलग थी। पहली वाली में अरशद वारसी एक वकील होते हैं और सीक्वल में अक्षय कुमार थे। बेहतरीन फिल्म हंसी मजाक में ही सही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी 197 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इस फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ था। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पहली बार हुमा कुरैशी ने काम किया। बद्रीनाथ की दुल्हनिया। वरुण धवन और आलिया भट्ट युवा जोड़ी हैं जिसे हर कोई पसंद करता है, और इस जोड़ी ने फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में कमाल का काम किया, जबकि इसकी लागत महज 44 करोड़ थी। गोलमाल अगेन। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म गोलमाल अगेन ने रिलीज के दिन से लेकर लंबे समय तक धाकड़ कमाई की। इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 309 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जुड़वा 2। डेविड धवन के निर्देशक में बनी जुड़वा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसने 4 सप्ताह में ही लगभग 137 करोड़ की कमाई कर ली थी, जबकि इस फिल्म की कुल लागत लगभग 70 करोड़ थी। हिंदी मीडियम। इरफान खान और सभा कमर की फिल्म हिंदी मीडियम बहुत ही शानदार फिल्म थी। इस फिल्म ने फिल्मी पर्दे पर जमकर कमाई की। बेहद मामूली बजट यानी सिर्फ 23 करोड़ में बनी इस फिल्म ने करीब 102 करोड़ कमाए। टॉयलेट एक प्रेम कथा। साल 2017 के अगस्त महीने में रिलीज हुई अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर द्वारा अभिनीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का बजट केवल 24 करोड़ था, जबकि इस फिल्म ने करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई की। फिलोरी। अनुष्का शर्मा दिलजीत दो सांझ और लाइफ ऑफ पाई के सूरज शर्मा ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए। इस फिल्म की कहानी बहुत रोमांचक है। यह फिल्म दर्शकों को सीट से बांधने में कामयाब हुई। ओके जानू। आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न लव स्टोरी थी ओके जानू, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक थी। बेगम जान। विद्या बालन की दमदार डायलॉग डिलीवरी ने इस फिल्म में जान डाल दी। फिल्म ने कमाई तो खास नहीं की, लेकिन विद्या बालन की एक्टिंग को सबने सराहा। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट।